नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। लालू बोले, आरक्षण खत्म किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव ने जहानाबाद की एक सभा में कहा कि भाजपा और आरएसएस आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, मगर लालू के रहते ऐसा नहीं हो पाएगा, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता किया, मगर लोग पेट्रोल पियेंगे या फिर दाल पियेंगे। लालू ने कहा कि भाजपा की बारात में कोई दूल्हा नहीं है, जबकि हमारे दूल्हा नीतीश कुमार हैं। अखबारों में सुर्खियों के लिए लेखक लौटा रहे हैं पुरस्कार। नामवर सिंह ने कहा, हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है कि लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं लौटाना चाहिए, उन्हें सत्ता का विरोध करने के और तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि अकादमी एक स्वायत्त संस्था है। सिंह ने देश के 25 लेखकों द्वारा अकादमी पुरस्कार लौटाए जाने पर कहा कि लेखक अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह पुरस्कार लौटा रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर दिनेश मोंगिया भी क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल थे। न्यूजीलैंड के दागी क्रिकेटर लू विंसेंट ने इंडियन क्रिकेट लीग में मैच फिक्सिंग मामले की सुनवाई के दौरान लंदन में कहा कि भारतीय क्रिकेटर दिनेश मोंगिया मैच फिक्स करने वाले 4 लोगों के गैंग में शामिल थे। हालांकि ICL को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इन आरोपों के बाद मोंगिया विवादों में घिर गए हैं। विंसेंट ने इस दौरान न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल टफी का भी नाम लिया। हालांकि मोंगिया ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जो विंसेंट ने कहा वह गलत है, मैं किसी भी मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं था। शराब बनाने के आरोप में बुजुर्ग को 350 कोड़ों की सजा। सऊदी अरब में ब्रिटेन के एक बुजुर्ग को देशी शराब बनाने के आरोप में 350 कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई गई है। कैंसर से जंग जीतने वाले ब्रिटेन के 74 वर्षीय कार्ल एंड्री को गत वर्ष अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनकी कार से शराब की बोतलें बरामद की थी, उन्हें इसके लिए पहले ही 12 महीने की जेल की सजा मिल चुकी है। ब्रिटिश नागरिक को प्रताड़ना और अमानवीय हालत के लिए कुख्यात जेद्दा की ब्रिमेन जेल में रखा गया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।